भोजपुरी सिनेमा के स्टाइलिश स्टार और युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू ने पिछले कुछ महीनों से सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि कल्लू जहां एक तरफ अपनी पर्सनालिटी में गजब का बदलाव लेकर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल्लू ने इन दिनों सबसे ज़्यादा फिल्में करके सभी को हैरान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एल्बम लाने के रिकॉर्ड में कल्लू का नाम ही दर्ज था और 2019 में भी वो अपना ये तमगा जमा कर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा फिल्म साइन करने के बाद इस साल के पहले ही दिन से कल्लू हर रोज़ अपने नए नए गाने रिलीज कर रहे हैं। बीते दो दिनों में कल्लू के दो सैड सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं और आज एक कॉमेडी सॉन्ग भी रिलीज़ होने वाला है। तो वहीं 2019 की कल्लू की ऐसी पांच फिल्में हैं जिनसे खुद कल्लू को भी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। 2019 में बब्बर, राज तिलक, छलिया, दिलबर, पत्थर के सनम, ये ऐसी पाँच फिल्में हैं जिनमें कल्लू एक नए अंदाज और किरदार में दिखाई देंगे। काफ़ी सारी फिल्मों में कल्लू के साथ दो से ज़्यादा हीरोइनें भी नजर आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कल्लू 2019 के पहले दिन से हर रोज़ नया एल्बम लेकर आ रहे हैं और इस साल भी वो लोकप्रियता बनाने के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कल्लू उस साल के शुरुआती दिनों में, आइए जान लेते हैं उन्हीं की जुबानी। सभी को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। ये 2019 का प्रणाम है आपका और मैं तो कम से कम पहली बार आपसे इस साल में रूबरू हूँ। अरविंद अकेला कल्लू और उनके ये डायरेक्टर मिस्टर चंदन, ये क्या कर रहे हैं आज? आज हम लोग अपनी फिल्म बब्बर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मुंबई में। गाने की शूटिंग हो रही है और इस फिल्म की आखिरी पड़ाव पे एक दो दिन में हमारी शूटिंग पूरी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे चंदन उपाध्याय सर जो कि हमारे बड़े भैया हैं। इनके साथ मैंने पहले आवारा पलम बनाया था और दूसरी फिल्म हमारी बब्बर है। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है हमारी पूरी टीम की कि एक अच्छी मूवी हम दर्शकों के बीच दिखाएं, जो कि जब भी लोग देखें तो खास करके इनका एक अलग अहम भूमिका रहता है कि मैंने जितने सारे मूवी किए उससे कुछ हद के कुछ अलग हमको पेश करना चाहते हैं। तो इस फिल्म में भी वही है। आवारा पलम में लोग बोले थे कि कल्लू एक्शन इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है, कम करता था, एज एक्शन मूवी आवारा पलम इन्होंने बनाया और बब्बर भी कुछ हट के इसी में, तो आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा। ये कौन आ गया भाई? तनुश्री जी। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर सेट। तनुश्री जी, वैसे जब ये आप लोग यहाँ से अरविंद अकेला कल्लू जी अकेले अकेले चिल्ला रहे थे तनुश्री जी आइए, तनुश्री जी आइए, हालांकि चंदन उनका साथ नहीं दे रहे थे, अलग बात है, तब आप कहाँ थी? मैं तो रूम में बैठ के आराम से एकदम ठंडे ठंडे हवा खा रही थी। अच्छा, मैं चाहती थी कि थोड़े से धूप में रहे, ऐसे नाम इनका गलत है कल्लू, तो सोच रहे कि थोड़ा सा काला हो जाए तो फिर नाम छूट भी करे। नहीं, वो पहले काले थे, अब गोरे हुए हैं। अब गोरे हो गए, राइट। अरविंद जी देखिए आपके शुभ चिंतक कितने हैं। हाँ, मुझे जलन हो रही है, मैं चाहती हूँ काला हो। आप हमारी बहुत कुछ बातें जानते हैं जो कि कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच आपका। सही बात है, मैं जब बचपन में जब पैदा हुआ था तो बहुत काला था, लेकिन जैसे ही बड़े 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 होते गया वैसे बहुत जितना प्यार मिलता गया उतना बुरा होता गया पब्लिक का प्यार में एक्चुअली। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।